नमस्कार, मैं गुरंश गोइंकन प्राइम टीवी की तरफ से हिंदी खबरों के बुलेटिन के साथ आपका स्वागत करता हूं। पेश है कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 188 वोट हासिल करके विश्वास मत जीत लिया है। बता दें, उन्हें विश्वास मत जीतने के लिए जरूरी 138 वोटों से कुल 50 वोटों से अधिक है। करीबी एक हफ्ते पहले नेपाल के दिग्गज कम्युनिस्ट नेता ने चौथी बार हिमालय राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें कैबिनेट के 21 अन्य सदस्यों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी के मंगलवार को भारत आने वाले हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता बहाल होने की उम्मीद है। लेबर पार्टी की नव निर्वाचित सरकार के तहत ये पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। इस हफ्ते एफटीए वार्ता के नए मापदंड तय किए जाएंगे। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर हुई हिंसा के बीच भारत ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती तेज कर दी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बीएसएफ ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं त्रिपुरा बॉर्डर से भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी जा रही है। बांग्लादेश में नौकरी आरक्षण के मुद्दे को लेकर हुई हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मंगलवार को अपना लगातार 7वां बजट पेश कर एक रिकॉर्ड बनाएंगी। आम चुनावों के बाद आने वाली इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर बनी हुई है। अब बारी खेल जगत की। बीसीसीआई सचिव ने बताया कि बोर्ड आईओए को 8.5 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा। उन्होंने लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि बीसीसीआई 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का हमारे अविश्वसनीय एथलीटों का समर्थन करेगा। श्रीलंका की मेजबानी में जारी महिला एशिया कप 2024 भारत का सामना यूएई से हुआ। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने यूएई को 78 रनों से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। अब भारत अपना ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 23 जुलाई को नेपाल के खिलाफ खेलेगा। यूएई के खिलाफ जीत के साथ भारतीय टीम ग्रुप ए की अंक तालिका में शीर्ष पर बरकरार है। आओ जाने कुछ स्थानीय हलचल। एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन की बड़ी मांग। नागरिक अस्पताल में आने वाले मरीजों को 64 एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाए गए हैं। 171 एंटी स्नेक वेनम के इंजेक्शन ही नागरिक अस्पताल में उपलब्ध है। सांप के काटने से बढ़ते केसों को देखते हुए विभाग ने 300 इंजेक्शन की मांग भेजी हुई है। मौसम का हाल इस प्रकार से है। सिरसा में अधिकतर बादल छाए रहने के साथ मौसम गर्म रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। कुछ गोइंगन समाचार। बच्चों ने स्कूल द्वारा दिए गए पेड़ पौधे को लगाने की पहल की। इस गतिविधि के माध्यम से उन्होंने पेड़ों का महत्व को सीखा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाया। आज के बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।